अरे शर्म कर दुर्गा, शर्म कर। काहे की शर्म करूं? किसी के बाग से अमरूद चुरा के खाया है या किसी के खेत से गन्ना? अरे गन्ने से बड़ा तो तेरा कद हो गया है। पहले अपने को देख और फिर इन बच्चों को। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है और अभी तक बच्चों के संग खेलती है। अरे चाचा, वो मेरी माँ है ना, उसने मुझको गीले आटे की तरह खींच खींच कर लंबा कर दिया और घोड़ी बना दिया। वरना अभी मेरी उम्र क्या है, मैं अभी तक बकरी का बच्चा हूँ। क्या हूँ बच्चों? बकरी का बच्चा। देखो चाचा, अगर आपने दोबारा हमारी दीदी को घोड़ी कहा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चुप, मूंगफली के दाने जितना तेरा कद और ताड़ के झाड़ जैसी तेरी अकड़। छोड़ दो ना चाचा, हमें खेलने दो। खेलो, तू नहीं सुधरेगी, तू नहीं सुधरेगी। आप भी नहीं सुधरेंगे। चल चल। दुर्गा, ठाकुर के आदमी बाबा और भैया को मार रहे हैं। मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आज के बाद कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बाबा, इन कुत्तों के आगे हाथ मत जोड़ो बाबा। रामजादे, शहर से चार किताबें पढ़ करके आ गया, मुँह में चार गज की जुबान आ गई। हमारे ठाकुर को कानून सिखाता है। एक न एक दिन तुम्हारे ठाकुर को हम पर किए हुए हर अत्याचार का जवाब देना होगा। मैं देता हूँ तुझे जवाब। कमीनों कुत्तों, अब तुम शरीफों पर भी हाथ उड़ाने लग गए।
आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। देख दुर्गा देख। अरे जा भूतनी के, तू क्या दिखाएगा मुझे, मैं दिखाती हूँ तुझे। कुंदन भैया, तुम तो जानते हो इस गांव में धर्मपाल जैसे शैतान का सिक्का चलता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अपनी मौत को आवाज देना है। मगर दुर्गा बहन, इनकलाब लाने के लिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। मगर इनकलाब की आवाज वहाँ उठाना चाहिए जहाँ जिंदा लोग रहते हैं, ये तो मुर्दों की बस्ती है और मुर्दों के सामने चिल्लाने से इनकलाब नहीं आने वाला है। चल चल घर चल चल। चलो बेटा। वाह, ठाकुर धर्मपाल ने क्या शेर पाल रखे हैं जो चार चार मिलकर एक अकेली लड़की से पिट कर चले आए। अगर तुम जैसे वफादार हो तो फिर मुझे गद्दारों की क्या जरूरत है, मेरी बर्बादी के लिए तुम अकेले ही काफी हो। बाकी के लोग कहाँ हैं? मैं पूछता हूँ बाकी के लोग कहाँ हैं? वो बाहर है सर। उनको अंदर आते हुए शर्म आ रही है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकल यहाँ से, चले जाओ। सरकार, अगर आपका हुक्म हो तो दुर्गा को उठवा लें। दुर्गा का इंतजाम बाद में कर लेंगे, पहले सरिया के बेटे को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब, किसको ठिकाने लगाने की बात सोच रहे हैं? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर धर्मपाल जो बरसों से जानवरों की इस बस्ती में धर्म को पाल रहा हूं, आज मुझ जैसे आदमी को एक मामूली दो कौड़ी के इंसान के सामने सर झुका के रहना पड़ेगा? आपकी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत किसने की? वही हरिया का बेटा, क्या नाम है उसका? जी कुंदन। कुंदन, वो शहर से बेहुदा पढ़ाई जो करके आ गया है। क्या किया है उसने? उसने हमारे खानदान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। वो भूल गया है कि ये गांव, इसकी जमीन, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, सब कुछ हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है। मुद्दतों से होता आया है कि लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम उन्हें प्यार देते हैं, फिर तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? वो हमारी जमीन पे जिंदा रहते हैं, किराए के बदले हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन आज उस हरामखोर ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है, मजदूरों को बहकाना शुरू कर दिया है। हुजूर, आप हुक्म दें तो मैं उस हरामजादे को दफा 302 में गिरफ्तार कर लेता हूँ। केस बनाना मेरा काम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाए। सरकार, मेरा ख्याल है कि आज उसे बहुत अच्छी तरह सबक मिल गया है। दो एक दिनों की बात है, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और वो चला जाएगा। मैं समझता हूँ हुजूर कि इस बात को आगे ना बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मुंशी जी, हमारे आदमियों की जो पिटाई है उसका क्या होगा? आपके आदमियों की पिटाई किसने की? बंजारा की बेटी दुर्गा ने। दुर्गा ने? वो शायद अपने बाप का अंजाम भूल गई है। वो भूल गई कि उसका बाप आज तक हमारी वजह से जेल में सड़ रहा है। वैसे बंजारा की सजा खत्म होने में और कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 2 महीने। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही जेल से बाहर आएगा मैं एक दूसरा केस बनाकर उसे फिर से अंदर कर दूंगा। बाबा क्यों? हाँ, मैं। अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। लेकिन आपकी सजा पूरी होने में कुछ दिन। मैं जेल से भाग आया हूँ। भाग आए? लेकिन क्यों? अभी सजा पूरी होने में सिर्फ 2 महीने ही तो बाकी थे। अगर पुलिस ने फिर से पकड़ लिया तो? अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं तुम लोगों को लेने के लिए आया हूँ। चलो। कहाँ ले जाएंगे हमें? जहाँ मैं रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि धर्मपाल को मैं चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। हो सकता है कि धर्मपाल के आदमी और पुलिस पीछे से तुम लोगों को परेशान करे, इसलिए तुम लोग अब मेरे साथ रहोगे। चलो। बाबा, मैं और माँ कहीं भी रह लेंगे, मगर इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सोचा तुमने? ये लोग कहाँ भटकते रहेंगे, जंगलों में, पहाड़ों में? नहीं बाबा, नहीं। सजा के कुछ दिन तो बाकी रहेंगे, वो काट लो तो। नहीं, जब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि धर्मपाल ने मुझे सजा दिलवाई है, मैं चुपचाप सजा काटता रहा। लेकिन जब संतों ने मुझे जेल में ये बताया कि मुझे सजा दिलाने के पीछे धर्मपाल का हाथ था, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि बेगुनाह होते हुए भी मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहूं और तुम लोग अनाथ बनकर इस तरह जिंदगी बिताते रहो। पिछले 6 महीने मैंने जेल में किस तरह काटे हैं ये मैं ही जानता हूं। और अब जब तक मैं धर्मपाल से अपनी जिल्लत का बदला नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बाबा, नहीं। ऐसा करने से कानून की नजरों में तुम और भी गुनहगार हो जाओगे।
धर्मपाल को उसके किए की सजा कानून देगा। कानून? कानून सिर्फ अमीरों के लिए होता है बेटी। गरीबों को इंसाफ देते वक्त वो आंखों पर पट्टी बांध लेता है, इसलिए धर्मपाल को सजा सिर्फ मैं दूंगा। चलो निकल। नहीं बाबा, जिस रास्ते पर तुम हमें ले जाना चाहते हो वो रास्ता तबाही की तरफ जाता है। मेरी बात मान लो बाबा और लौट जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बंजारा, नहीं जल्दी करो। मेरी बात मान लो बेटी, जिद ना करो, अब भी वक्त निकल चलो। नहीं बाबा, मैं इन बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बेटी, अरे बंजारों की बेटियां भी बेटों जैसी होती हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, कभी ना कभी मिलने आता रहूंगा, और जैसे ही बंदोबस्त हो गया रुपए भिजवा दूंगा। नहीं बाबा, हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे मगर पाप की कमाई नहीं चाहिए। अरे माँ, रो मत, रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। अब तक इसी उम्मीद पर जी रही थी कि तेरे बाबा वापस लौटेंगे तो इस घर की सारी खुशियां फिर से आ जाएंगी, मगर अब वो सहारा भी जाता रहा। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, बाबा ने हम लोगों को बचपन में जो हुनर सिखाया था बस अब वही काम आएगा। क्या मतलब, तू सड़कों पर तमाशा करेगी? हाँ।
देखो। चाची, तेरा बेटा आ गया है। मेरा बेटा आ गया, कहाँ है? मैं हूँ तेरा बेटा। नहीं, तू नहीं है मेरा बेटा। चाची को सताते हो? दुर्गा, दुर्गा हम कहाँ सताते हैं? ये सारे गांव को सता दिए, इसे पागल खाने भेज दो। अरे चुप, पूतने के पागल खाने भेजेंगे तेरी अम्मा को, जिसने तेरे जैसा पागल बेटा पैदा किया है। क्या किया है? पैदा किया है। अब जाता है या दो एक उल्टे हाथ। अरे दुर्गा, ये लोग मुझे सताते हैं। अरे चाची, तू क्यों बाहर निकलती है, जब तुझे मालूम है ये बदमाश छोकरे तंग करते हैं। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत है मुझे बोल, मैं ला कर दूंगी। पर नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तो बस अड्डे पर जा रही थी अपने बेटे राजू को देखने के लिए। ना मालूम वो कौन सी बस से आएगा, मुझे ना देखकर वो वापस चले जाएगा ना। अरे चाची, वो आएगा तब वापस जाएगा ना। नहीं नहीं, वो जरूर आएगा। सब लोग ऐसा बोलते हैं, तू तो मत बोल। लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मारते हैं। तू ही है जो मुझे इन जानवरों से बचाती है। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मेरी चाची पागल नहीं है। पागल तो ये सारे गांव वाले हैं, जो ये भी नहीं समझते जिस माँ का इकलौता बेटा उसे अकेले छोड़कर चले जाए उसकी हालत क्या होगी। अरे ऐसा कभी हुआ है? कौन माँ अपने बच्चों को नहीं डांटती? मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया तो वो घर छोड़कर चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। मुझे 20 बरस हो गए उसे ढूंढते ढूंढते, वो कब आएगा? दुर्गा, ये बस शहर से आई है, इसमें मेरा बेटा राजू होगा। मैं जाती हूँ, देखती हूँ उसे। अरे चाची, राजू। पंजारा, आज बस स्टैंड पर मैंने तुम्हारी बेटी दुर्गा को देखा। काफी भीड़ इकट्ठी थी और वो तमाशा दिखा रही थी। बेवकूफ है, जिद्दी है। कहते हैं कि वो मेरा रुपया नहीं लेंगे क्योंकि ये पाप की कमाई है, और खुद सड़कों पर भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। मरने दो, उनकी किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ तुम खाना खा लो। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूखे पेट ये लड़ाई कैसे लड़ोगे बंजारा? ना तो हमारे पास आने जाने का कोई साधन है, ना खाने के लिए कुछ है, और ना ही हथियार है। मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, मैंने सोच लिया है, आज रात को हम ठाकुर धर्मपाल सिंह के गांव में जाएंगे। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। जान प्यारी है तो लाठी फेंक कर इधर आ जाओ। चलो चलो इधर। मंजारा, तुम जेल से कब छूटे? छूटा नहीं, भाग कर आया हूँ तेरे मालिक से बदला लेने के लिए। चलो गोदाम खोलो। गोदाम खोला तो मालिक मुझे मार डालेंगे। नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। चलो चल खोल। बोरियां बाहर निकालो, मैं घोड़े लेकर आता हूँ। ठीक है। घोड़े? बंजारा, हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे उस हरामजादे की नौकरी क्यों करते हो हरामखोरो? आओ चलो बोरियां निकालो। घोड़े ले चलो जल्दी। जल्दी लाद दो सब। निकल चलो।
यह कैसे हो सकता है? बंजारा तो अभी जेल में है। मालिक, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, वो बंजारा ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुंशी जी, ये बंजारा जेल से छूटा कैसे है? उसकी सजा तो अभी बाकी है। वो जेल से भाग आया है। अगर बंजारा वाकई जेल से फरार हो गया तो हमारे लिए बहुत खतरा बन सकता है, उसका इंतजाम करना होगा। मुंशी जी, एक काम कीजिए, शहर से फौरन विनोद को बुलवाइए और उससे कहिए कि आते वक्त साथ में ऐसे लोगों को लेकर आए जो जिंदगी को मौत में बदलने में ज्यादा वक्त न लगाते हो। मैं समझा नहीं हुजूर। मुंशी जी, बंजारा कानून से भागा हुआ मुजरिम है, यही मौका है उसे खत्म कर देने का। इसे सांप भी मर जाएगा और कानून की लाठी हम तक पहुंचेगी भी नहीं। कि तुम क्या कह रही हो नंदिनी? मैं ठीक कह रही हूँ दुर्गा, तेरे बाबा की जान खतरे में है। इसी बात का मुझे डर था। मैंने बाबा को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और वो गलत रास्ते पर चल पड़े। मगर तेरे बाबा ने ऐसा क्यों किया? नंदिनी, तू मेरी बचपन की सहेली है, मैंने तुझे सहेली से ज्यादा बहन समझा है। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। कल रात बाबा आए थे और वो कह रहे थे उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए तेरे पिताजी ने मजबूर किया है। मेरे पिताजी ने? हाँ, वो कह रहे थे तेरे पिताजी ने झूठी गवाही के बल पर उन्हें जेल भिजवा दिया था, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए बाबा ने ये रास्ता अपनाया। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। मगर मेरे पिताजी मेरी बात जरूर मानेंगे। मेरे होते हुए ये खून खराबा नहीं हो सकता, मैं उन्हें ऐसा करने से रोकूंगी। क्या बात करती है नंदिनी, हम और बंजारा को भूल जाएं? हम ठाकुर धर्मपाल सिंह, जिसके सामने सारा जमाना सर झुकाता है, उस दो कौड़ी की गुलाम की है मजाल क्या हमारे खिलाफ बगावत की आवाज उठाए? लेकिन पिताजी, पहली गलती आपकी। हमारी किताब में गलती का लफ्ज ही नहीं है। हम गलत करें तो सही कहलाता है और जुल्म करें तो इंसाफ कहलाता है। तुम हमारी बेटी हो और अज्जात हो, इसलिए तुम्हें घर के मामले में उलझा रहना चाहिए। हमारे दुश्मनों की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। लेकिन फिर भी पिताजी। जाओ यहां से। भैया, हाय भैया, हाउ आर यू? आओ विनोद। हाय नंदिनी, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, जरा नाराज है। विनोद जी, ये किन लोगों को पकड़ लाए हो? ये तो शक्ल से चोर उचके लग रहे हैं। अरे क्या बात करते हो भैया, इन लोगों ने इतना पानी नहीं पिया होगा जितना इन लोगों ने खून बहाया है। अरे हाँ भैया, ये कातिलों के कातिल हैं। जब तक किसी का खून न कर ले, इन सालों को खाना हजम नहीं होता है। ठाकुर साहब। कौन है? सरकार, मैं हूँ आपका खानदानी हजाम, हजामत लाल, उस तरह पूरी साबुन लगा के। ये बेवक्त कैसे आना हुआ? आपका बुरा वक्त देखकर। क्या वक्त बे? कैसे जबान कतर दूंगा मैं? अरे कैची आपकी है, जबान आपकी है, मैं आपका हूँ, कतर दीजिए। मगर सरकार, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये सुना था कि लोग घोड़े बेचकर सो जाते हैं, मगर आप जागे हुए हैं, आपके घोड़े बिक गए। अबे कौन से घोड़े? वही जो आपके थे, मैंने देखा उन घोड़ों को कुछ लोग लिए हुए चले जा रहे थे। मेरा गला है, सुपारी नहीं है, जिसको आपने अपने हाथ के सरोते में दबोच लिया है। मेरा गला छोड़िए तो मैं बोलूं। छोड़िए, कुछ नहीं। विनोद छोड़ो उसको। विनोद छोड़ो। बोला जामत लाल, क्या हुआ? गले की नली की गली छूटी, अब बात छूटेगी। बोल। तो हुआ यूं सरकार कि वो जो दुर्गा प्रसाद जी है ना, जानते होंगे रायपुर वाले, उनके भाई के लड़के का मुंडन था। अब मुंडन हो और मुझे ना बुलाए, बुलावा आया। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। कैंची की रफ्तार से सरकार में चल पड़ा, शकाक 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 चला जा रहा था। वक्त होगा 10 बजे होंगे, नहीं नहीं 10:30 बजे का वक्त था, 11 बजे थे। सूरज अबे बोलेगा कि नहीं? सरकार, मुझे कहानी सिलसिलेवार सुनाने की आदत है, आप बीच में वार ना कीजिए, सिलसिला टूट जाता है। हाँ, तो हुआ यूं के बीच में मुझे पंडित ध्रुपद धमाल जी मिल गए, मुझसे कहने लगे कि मैं भी साथ चलूं। एक से भले दो, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है और रास्ता करना पार। मैंने कहा चलिए चलिए, साथ में चलिए, क्या हर्ज है, हम दोनों चल पड़े। हम दोनों चल पड़े, हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। धूप बोले मेरा काम, गर्मी बोले मेरा काम, और प्यास बोले मेरा काम। अगर तूने बातें बताई तो फिर गोली मारना मेरा काम। नहीं, अरे सरकार, गोली मत मारिएगा, ले दे के जमाने में एक ही पीस रह गया हूँ।
वरना इस तरह का उस तरह कौन चलाएगा? आपकी हजामत कौन बनाएगा सरकार? बताता है कि नहीं? बताता हूँ सरकार। जब मैं वापिस आ रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग आपके घोड़ों पर सवार फुदलक 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 काली घाटी की तरफ चले जा रहे हैं। तुम अपने आदमी को लेकर फौरन काली घाटी की तरफ चले जाओ। नहीं भैया नहीं, बंजारा तो अब तक भागकर पता नहीं कहां तक चला गया होगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं दुश्मन को दुश्मन के हथियार से मारूंगा। क्या मतलब? मैं आसपास के गांव में बंजारा के नाम का ऐसा आतंक फैला दूंगा कि पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ जाएगी। मगर ये होगा कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ज्यादा होशियारी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बंदूक उठाओ। घर में जो कुछ भी है चुपचाप सामने लाओ। सब मेरे पास कुछ भी नहीं। बंजारा ये झूठ बोलता है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़। तुम्हें रुपया पैसा चाहिए मैं देती हूँ। और जेवर में? हाँ, हाँ, सब जल्दी। आपको पूरा विश्वास है कि आपके घर में डाका बंजारा नहीं डाला है? और कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? अब आप मान लीजिए कि बंजारा डाकू बन चुका है और अगर आपने बहुत जल्द उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो वो हम सबको लूट लूट के खोखला कर देगा, क्योंकि उसकी जबान को दौलत का खून लग चुका है। ठाकुर साहब, मुझे आपके साथ बड़ी हमदर्दी है। जब मुझे पता चला कि आपके साथ ये वाकया गुजरा है तो मैं खुद दौड़ा और आपके घर गया। आप जैसे दोस्तों से मुझे यही उम्मीद थी। इंस्पेक्टर साहब, उस इंसानियत की हड्डियां चबा चबा कर खाने वाले बदमाश बंजारा के लिए आपने क्या किए? जो कुछ हमारे अख्तियार में है हम करेंगे। हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बंजारा को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। राजू, 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 बेटा, कोई कहता था कि तू फौज में चला गया है। हाँ माँ। फौज में जाने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे बस ऐसे ही माँ, घर चलो बताता हूँ। चल, घर को चल। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आप सबको इस छोटी सी कलाकार का सलाम। बच्चा लो, तालियां बजाओ। अब मैं आपके सामने उल्हे मटकाऊंगी। भाइयों बहनों, अब मैं आपकी बाहों में आ जाऊंगी। हाँ तो मैं कह रही थी भाई लोग, अब मैं आपके बिस्तर की जीनत बन जाऊंगी। बोतनी की अपनी माँ बहन से जाकर ऐसे बात कर। लानत,
शकल सूरत से मर्द देखने के बावजूद जनखो जैसी हरकत करते हो। अबे मुंह संभाल के बात कर, जानता नहीं किससे बात कर रहा है। मर्दों की खाल ओढ़े हुए ना मर्दों से। क्या बोला बे? जो तूने सुना बे। तेरी तो फाइट का ये तरीका बहुत पुराना हो गया पोकल पहलवान, नया तरीका मैं सिखाऊंगा। ये कौन है चाची? अरे ये मेरा बेटा राजू। मैं कहती थी ना वो जरूर आएगा, देश आ गया है। इस गांव की जमीन पर आज तक किसी ने हमारे आदमियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और तुमने हाथ उठा दिया। आलो तुम। मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ये तमाम कुत्ते तुम्हारे हैं? ये मेरे आदमी हैं। अपने इन आवारा कुत्तों के गले में शराफत का पट्टा बांधकर अपने घर में रखा करो। अगर आज के बाद इनमें से किसी ने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल कर रख दूंगा। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू एंड योर ब्लडी दीज स्ट्रे डॉग्स। गेट माई पॉइंट? अरे वाह, साला अंग्रेजी भी बोलता है। कौन है ये? अगली का बेटा है, फौजी है, अभी अभी शहर से आया है। राजू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। चाची कुछ बनाने की जरूरत नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ, ये लो। अरे तूने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती ना। अरे चाची तकलीफ का अपना तो बचपन का साथ है। कब का साथ है? बचपन का साथ है राजू। ये दुर्गा है। दुर्गा? इतनी छोटी सी थी ना तब से मेरी सेवा करती चली आई, पूरे गांव में इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। इससे? हाँ वो तो नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना। मगर चाचे का दुख तुम्हें नजर नहीं आता है। बेचारी सारा सारा दिन तुम्हारे इंतजार में भड़कती रहती है। सुना है तुम बचपन में बहुत गुस्से वाले थे। हाँ। एक दिन चाची से झगड़ा करके घर छोड़कर चले गए। चला गया। कहाँ गए थे? मिलिट्री में गया था। अब वापस कब जाओगे? वापस नहीं जाऊंगा, मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? बहुत अच्छा काम किया आपने। अब यही रह के चाची की सेवा करो। अच्छा। क्या करो? सेवा नहीं दी, अब तो मैं अपनी सेवा अपनी बहू से करवाऊंगी। राजू मैंने कब से सोच के रखा है जब तू वापस आएगा तो दुर्गा से तेरी शादी कर दूंगी। क्यों दुर्गा? राजू तुझे पसंद है ना? क्या चाची क्या बात कर रही है? अरे 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 शर्मा गई। Yeah.
दमतलाल। हाँ सरकार। वो लड़की कौन है? सरकार ये तो पुतला है। अबे मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी कर रहे हैं? वो जो तमाशे में थी। वो तो दुर्गा है सरकार। हाय हाय क्या नाचती है, क्या लाजवाब बदन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे संगमरमर का तराशा हुआ चलता फिरता ताजमहल हो। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की हजामत का उड़ाया है मजाक। अबे मजाक नहीं मैं सच कह रहा हूँ। जब वो नाच रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सीना चीर कर दिल की स्टेज पर उछल उछल कर नाच रही हो। अबे ओ गधे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कुछ तो जवाब दे। मैं गधा ही अच्छा हूँ सरकार साबुन लगा के। हमारे यहाँ इधर उधर तांग झांक करने वाले को कुत्ता कहते हैं। अबे क्या कह रहा है? मैंने बुजुर्गों की मिसाल कही है आपसे। अरे बुजुर्गों को मार गोली, मेरी बात सुन। सुनाइए। बस एक बार उस लड़की को मेरे फार्म हाउस पे ले आ। किस लिए? अबे उसका मुजरा मुजरा करवाएंगे और फिर बाकी का काम तू सब मुझ पर छोड़ दे। सरकार हम हजाम जरूर है लेकिन दलाल नहीं है। अबे इसमें दलाली क्या बात है, मैं तो तुझे अपना आदमी समझ के कह रहा था और फिर मैं तेरा मुंह उत्तरों से भर दूंगा। हजामत लाल से तुम्हारे ये खुट्टल उस तरह हजम नहीं होंगे। मैं जा रहा हूँ साबुन लगा के, हजामत खुद कर लेना। अबे ओए मेरी दाढ़ी कौन बनाएगा, इधर। अब तो मैं आऊंगा तुम्हारे क्रियाकर्म पर ही। तेरी दम। शीशा हो या दिल टूट जाता है मगर ये हजामत लाल का शीशा है, टूट फूट प्रूफ। कभी छाओ कभी धूप, कभी छाओ कभी धूप, कभी छाओ धूप। दुर्गा तुम? चाची घर में नहीं है? नहीं कुछ काम था। नंदिनी घर पर आई थी। हमारे घर? हाँ, नहीं नहीं मेरे घर पर, कल उसकी मंगनी है ना। हाँ हाँ तो उसने माँ को बुलाया होगा। नहीं हाँ, नहीं वो पूछ रहे थे कि हमारी मंगनी कब होगी। ओ तुम्हारी मंगनी? हाँ, हमारी मंगनी। ओ यानी तुम्हारी और मेरी। हाँ, हमारी है? तो उसमें क्या है दुर्गा, थोड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं मिलिट्री में था ना तो एक बार जख्मी हो गया था और शहर के जिस अस्पताल में मुझे भर्ती किया गया था वहां एक नर्स थी जो बला की खूबसूरत है और जब वो हंसती है ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, झील से भी गहरी नीली और उसकी जुल्फे जो है ना घटाओं से भी ज्यादा काली है। क्या है? काली होंगी मेरी बला से। और जब वो चलती है ना नागिन की तरह बल खाती इठलाती। बस अगर तुम उस चुड़ैल को यहाँ लेकर आए जी तो मैं उसकी नीली आंखें काली कर दूंगी। क्या कर दूंगी? काली। अगर उसने जुल्फे बिखराने की कोशिश की जी तो मैं उसकी चोटी काटकर हाथ में दे दूंगी। अगर उसने नागिन की तरह बल खाकर चलने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। क्या तोड़ दूंगी? टांगे तोड़ दूंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी, समझे? क्या हुआ दुर्गा, ठहर तो। दुर्गा ठीक कहती है बेटा, इससे शादी करके तू बहुत सुखी हो जाएगा। बड़ी हिम्मत वाली है, सड़कों पर नाच गाकर अपने भाई बहन और माँ का पेट पालती है। जब इसका बाप जेल से भाग कर आया तो उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया, कह दिया कि वापस जेल चला जा और सजा पूरी करके वापस आ। अच्छा माँ ये बंजारा जेल से भाग कर क्यों आया? लोग कहते हैं कि उसे मालूम हो गया था कि उसे धोखे से सजा करवाई गई है। अच्छा सजा करवाई किसने थी? यही धर्मपाल ने, उसी से बदला लेने के लिए वो जेल से भागा था। तो फिर बंजारा ने पास के गाँव में डाका क्यों डाला? मैं नहीं मानती, वो ऐसा आदमी है ही नहीं। और ये धर्मपाल और उसका भाई ये लोग कैसे आदमी है? महालुच्चे और कपटी लोग हैं। बंजारा को बर्बाद करने में उन्हीं का हाथ है बेटा। Thank you.
ठाकुर साहब बधाई हो। आपको भी बधाई हो भैया। ठाकुर साहब, डाकू बंजारा ने हमला कर दिया। तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरे चहेले नंगरी का घर है, आज उसकी मंगनी है। इस खुशी के मौके पर खून खराबा मत करो, वापस चले जाओ बाबा। नहीं बेटी, आज मैं धर्मपाल की तड़पती हुई लाश देखे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम्हारी दुश्मनी धर्मपाल से है, उसकी बेटी से नहीं। तुम्हें तो कहा करते थे कि गाँव की बेटी सबकी बेटी होती है। आज उसी बेटी को आशीर्वाद देकर अपने धर्म का पालन करो, यहाँ से चले जाओ। नहीं बेटी, मैंने कसम खाई है कि इस पापी को खत्म करके यहाँ के गरीब और मासूम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इसके जुल्मों से आजाद करवा दूंगा। ये काम सरकार का है बाबा, उसे मारकर तुम क्यों फांसी पर चढ़ जाना चाहते हो? मुझे उसकी परवाह नहीं, तू हट जा सामने से। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें यही सब करना है तो पहले ये गोली तुम्हें मेरे सीने में दागनी होगी, उसके बाद मेरी लाश को रोनते हुए तुम अंदर जा सकते हो। नहीं विनोद, नहीं। बाप बेटी का नाटक बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दो इसे। जो काम हमारे साथी गोलियां चलाकर नहीं कर सके, ये लड़की सिर्फ जबान चलाकर कर रही है। जिद मत कर दुर्गा, अपने बाप की बात मान जा। इस वक्त तुम बाप नहीं, एक डाकू बनकर आए हो, और मैं एक डाकू का कहना नहीं मान सकती। अगर तुम मुझे अपनी बेटी समझते हो तो वापस लौट जाओ, वरना मैं खुद तुम्हारी गोलियों के सामने आ जाऊंगी। आज तो चला जाता हूं, लेकिन ये ज्यादा दिन मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। चलो गिरफ्तार कर लो इन सबको। इंस्पेक्टर साहब, आप बेकार में क्यों हम लोगों को परेशान करने आए हैं? हमारा कसूर क्या है? कल रात तुमने बंजारा को ठाकुर धर्मपाल सिंह की हवेली पर डाका डालने के लिए नहीं बुलाया था? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो बल्कि बाबा को वहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर किया था। वाह, तो बंजारा वापस लौटकर कहाँ गए? बोल। मुझे तुम लोग ऐसे नहीं बताओ, देख सकते हो सबको घसीट के थाने ले चलो। चला चला बच्चों को चला। शाबाश। जिस बस्ती में आप जैसे सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले मौजूद हो, वहां लुटेरे और डाकुओं की क्या जरूरत है? आपको इतनी भी तमीज नहीं कि औरतों और बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाता है? शट अप। तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले? हूं तो एक फौजी, लेकिन पुलिस के कायदे कानून और मर्यादा से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आपके पास गिरफ्तारी का वारंट है? यहां मेरा हुक्म ही वारंट है, मुझे किसी के वारंट की जरूरत नहीं। जरूरत है जनाब, हुक्म अदालत का चलता है, पुलिस उस पर सिर्फ अमल करती है। तुम्हारा बनाया हुआ कानून यहां नहीं चलता। वारंट लेकर आओ, वरना इन्हें गिरफ्तार करना दूर तुम इन्हें हाथ तक नहीं लगा सकोगे। तुम मुझे कानून सिखाने आए हो? चले जाओ यहां से, वरना इनके साथ साथ मैं तुम्हें भी अंदर। छोटे बाबू, पिस्तौल तो मेरे पास भी है। जितनी देर में तुम एक गोली चलाओगे, उतनी देर में मैं 6 गोलियां चलाकर इस पिस्तौल को साफ करके इत्मीनान के साथ खड़ा भी हो जाऊंगा। विश्वास न हो तो एक ट्रायल हो जाए। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इन लोगों को तो तुमने बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकोगे। मैं तुम्हें अंदर करके रहूंगा। चलो। बेटा, तुमने आज मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान कैसा माजी?
मैं यहां एहसान करने नहीं बल्कि इंसान के भेष में छुपे हुए जानवरों को इंसान बनाने आया हूं। जमाना बहुत खराब होता जा रहा है माजी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो अब यहां दोबारा आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। चलता हूं, नमस्कार।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो शर्म के मारे सर झुका जा रहा है। एक आदमी खुलेआम इस गांव की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद रहा है और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं। ये कौन है ठाकुर साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही राजू की बात कर रहा हूँ, और किसकी कर रहा हूँ। वो तो लगता है शहर से गंदे जरासीम फैलाने के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ सारी जिंदगी गुजर गई, किसी औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा, और वो कमीना बेगरत खुलेआम एक लड़की के हाथ में हाथ डाले घूम रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं। दिल करता है अपनी आंखों में गोलियां मारूं या किसी शहर के तालाब में कूद के मर जाऊं। इस घिनौने मंजर को देखने के बाद यहाँ की बहु बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? पर बंदा परवर, मैंने तो ये भी सुना है कि उस दिन उसने आप पर भी रिवॉल्वर तान ली थी, क्या ये बात सही है? जी हाँ। कमाल है, कितनी बेशर्मी से आप जी हाँ बोल रहे हैं। एक मामूली गुंडे की इतनी हिम्मत कि आप जैसे इंस्पेक्टर के सामने रिवॉल्वर तान के खड़ा हो जाए और आप उसे कुछ पूछ तक ना सके। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ देर के लिए अपनी ये वर्दी मुझे उधार दे दीजिए। मैं उसके पास जाऊंगा, उस हराम के ढक्कन को पहले जाकर झापड़ लगाऊंगा, फिर उसे पूछूंगा कि तू रिवॉल्वर लाया कहां से, तेरे पास लाइसेंस है इसका? सर झुकाने से काम नहीं चलेगा इंस्पेक्टर साहब, ये बुरे वक्त के आसार हैं। अगर सही वक्त पर उस गुंडे को लगाम न लगाई गई तो आपकी वर्दी छिन जाएगी और हमारी जमींदारी छिन जाएगी और इस सर जमीन पर गुंडों की हुकूमत बन जाएगी। नहीं ठाकुर साहब, मैं ऐसा वक्त आने नहीं दूंगा, बल्कि उससे पहले मैं उस कमीने को गिरफ्तार कर लूंगा और उसके साथ उसकी माशूका दुर्गा को भी। सारे घर की तलाशी ले लो, जाओ जल्दी जाओ। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप लोग? बोल बुढ़िया, तेरा बेटा कहाँ है? वो तो शहर गया हुआ है। अच्छा, मेरे डर से शहर भाग गया? उसकी पिस्तौल कहाँ है? वो तो मुझे नहीं मालूम। अभी मालूम पड़ जाएगा। पिस्तौल मिली? कुछ नहीं मिला सर। सुन बुढ़िया, जैसे तुम्हारा बेटा शहर से वापस आएगा उसको कहना फौरन थाने में रिपोर्ट करे। मगर क्यों? हमसे सवाल नहीं पूछते, एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर वो फौरन थाने नहीं पहुंचा तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा, समझे? चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तुमने गांव की शांति भंग करके त्योहार के दिन गांव में दंगा फसाद फैलाया, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी भला क्या दंगा फसाद करेगी? खामोश। ये कई बार मेरे आज से बच चुकी है, लेकिन आज नहीं बच पाएगी। आज मैं इसे गिरफ्तार करके ही जाऊंगा। मेरी गिरफ्तारी का वारंट है आपके पास। अच्छा, तो उस बदमाश फौजी ने तुम्हें भी कानून की जबान सिखा दी? मैं दिखाता हूँ तुम्हें वारंट पुलिस स्टेशन। चलो 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 चलो। कुछ नहीं होता है, मेरी बेटी को मत लेके जाओ, छोटी बेटी को मत ले जाओ। ये सरासर जुल्म है, जवान लड़की को हवालात में रखोगे? कितने शर्म और जिल्लत की बात है साहब। अच्छा, शर्म और जिल्लत का ख्याल तुम्हें अब आए? ये सारी बातें तुम्हारी बेटी को जुर्म करने से पहले सोचनी चाहिए थी, समझे? नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इस तरह बंद मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक लड़की का इस तरह हवालात में बंद रहना कितनी शर्म की बात है। तो आप, तुझे शर्म आ रही? डाकू का साथ देते तुझे शर्म नहीं आई? उस लफंगे के साथ बाहों में बाहें डाल के खुले आम नाचते तुझे शर्म नहीं आई? भोले भाले लोगों के साथ दंगा फसाद करते तुझे शर्म नहीं आई? दंगा फसाद मैंने नहीं किया, उन लोगों ने किया था। और जिन लोगों का आप भोला भला समझ रहे हैं वो नीच गुंडे और बदमाश है। बदमाश साली जवान लड़ाती है, रात भर जब यहाँ सड़ेगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। रात भर नहीं, एक अकेली लड़की को रात भर बंद कैसे रख सकते हैं? ये जुल्म है। ये तो कुछ नहीं, कल सुबह जब मैं तुम्हें शहर की जेल भेजूंगा तो ना जाने वहाँ तुम्हें कितनी रातें काटनी पड़ेंगी। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी माँ शर्म से मर जाएगी, मेरे छोटे छोटे भाई बहन पर तरस खाइए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़।
अरे विनोद बाबू, आप इस वक्त कैसे तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता चला कि आपने गांव की एक गरीब लड़की को अंदर बंद कर रखा है। ये सरासर बेइंसाफी है, गरीबों पर जुल्म है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? आपके लोगों के साथ तो उसने झगड़ा किया है। ओफो, मेरे लोगों के साथ झगड़ा किया तो हमारा आपस का मामला है, हम घुटने पड़ लेंगे। लेकिन विनोद बाबू, कानून भी तो कोई चीज है। ओहो, तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं इस लड़की की जमानत देता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जब कभी भी आपके कानून को इस लड़की की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद इसे लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। हवलदार, छोड़ दो इसे। कहाँ ले जा रही विनोद बाबू? मेरा घर तो इस तरफ है। घबराओ मत दुर्गा, मुझे फार्म हाउस पर एक बहुत जरूरी काम है, बस सिर्फ एक मिनट के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें फौरन घर छोड़ दूंगा। अरे सुनो, तुम यहाँ अंधेरे में कब तक इंतजार करोगी? अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, अभी चलते हैं। आओ, गुड। हाँ आओ दुर्गा। अरे दुर्गा डरो मत, ये तो सब अपने ही दोस्त हैं, शहर से आए हैं शिकार खेलने के लिए, बस थोड़ी देर इनसे मिल ले और फिर उसके बाद हम चलते हैं। क्या बात है, जियो विनोद बाबू जियो। नजर के गंदे जरूर हो मगर वादे के पक्के हो। आखिर इस बुलझड़ी को इस महफिल में ले ही आए। ये सब क्या कह रहे हैं विनोद बाबू? अरे क्या बताऊं दुर्गा, जब से मैंने तुम्हें थिरक थिरक कर नाचते देखा है ना, तब से मेरा मन मचल रहा है तुम्हारा मुजरा देखने का। विनोद बाबू, मैं ऐसे वैसे लड़की नहीं हूँ, तमाशा जरूर करती हूँ मगर अपनी इज्जत नहीं बेचती हूँ। अरे जाती कहाँ है, देख जेल की पथरीली जमीन पर लेटने की बजाय इन बाहों में आ जा, बड़ा मजा आएगा। साली मैं शराबत दिखा रहा हूँ, तू नगरे दिखाती जा रही है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तू ना चली जाना। एक मशहूर लड़की की इज्जत से इस तरह मत खेलिए, मुझ पर तरस खाइए, मुझे छोड़ दे। अरे दुर्गा हाथ क्यों जोड़ती है, तुम हमारा कहना मान जाओ, उसके बदले में हम तुम्हें माला माल कर देंगे, जिंदगी भर ऐश करती रहोगी। नहीं विनोद बाबू, मैं नंदिनी की सहेली हूँ, मैं भी आपकी बेटी और बहन के समान हूँ। क्या कहा, अपना मुकाबला नंदिनी के साथ करती है? दुर्गा इन हाथों में पिस्तौल अच्छी नहीं लगती, ला। आगे मत बढ़, वरना गोली मार दूंगी। अरे गोली मारने की क्या जरूरत है, तुम हमें आंख मार दो, हम वैसे ही मर जाएंगे। ला ला मुझे दो। मैं कहती रुक जा। अरे ला ना। रुक जा। निकल चलो माँ, गुड्डी और मुन्ना को जगाओ। मुन्ना मुन्ना जल्दी उठो, जल्दी। दीदी गुड्डी, क्या हो रहा है? जल्दी हाथ निकल, चलते माँ के, जल्दी चलो। लेकिन बात क्या है बेटी, हुआ क्या, बता तो सही। बात मैं बताऊंगी माँ, पहले निकल चलो यहाँ से, जल्दी चलो। भाग कर कहाँ जाओगे तुम लोग, मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं है जैसे बहाकर दुनिया के किसी कोने में भी तुम आराम का सांस। ठाकुर साहब मेरी बात तो सुनिए, आपके भाई ने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की थी। तुम भिखमंगों की इज्जत होती ही क्या है? मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, मेरी जान ले लीजिए मगर इन मासूम बच्चों को छोड़ दीजिए। तेरी जान कैसे ले लूं, तुझको और तेरी माँ को तो अभी जिंदा रहना है, और जिन हाथों से तूने मेरे भाई का खून बहाया है उन हाथों का वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर उन हाथों को फैलाकर मौत की भीख मांगती रहेगी और मौत तेरे करीब आने से इनकार करेगी। और ये भयानक तमाशा तुझे जन्म देने वाली तेरी इस माँ को अपनी आंखों से देखना होगा। अरे नीच पापी, भगवान से डर, तुझे जन्म देने वाली।
वाली तेरी माँ भी शायद इसीलिए जल्दी मर गई कि कहीं तू उसकी नजरों के सामने ही अपनी बेटी के साथ मुकाबला न करे। शान चला दिए। ये तेरा क्या हाल है? कौन थे वो लोग? गुड्डी मुन्ना कोई नहीं। क्या जानू ने सबको मार डाला बाबा, सबको मार डाला। किसने मार डाला? सुन, किसने मारा मेरे बच्चों को? धर्मपाल। धर्मपाल। हरिया काका, मुझे ठाकुर के आदमियों और इन पुलिस वालों का बिल्कुल विश्वास नहीं। अरे जुल्म की हद हो गई। लगता है अब ये बड़े लोग और ये कानून के रखवाले हम गरीबों को जिंदा तक नहीं रहने देंगे। अरे बेटा, अब तो यहाँ रहना पाप हो गया है पाप। आज दुर्गा पे बीती है, कल किसी और पे बीतेगी। कैसे बेदर्दी से बच्चों को मारा है, उनका तो कोई नाम लेवा तक नहीं रहा। बंजारा को इस बात का पता चला कि नहीं? अरे बेटा, अगर उसे पता चल गया होता तो उसने ठाकुर की हवेली की ईंट से ईंट न बजा दी होती। मगर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये काम ठाकुर या उसके आदमी ने किया? अरे भैया, और कौन करेगा? बंजारा और उसके बच्चों से किसका बैर था? तो आ गए तुम। मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पुलिस अगर बेचैन होने लगी तो फिर जनता का क्या होगा? Shut up! तुम उस खूनी दुर्गा के साथी हो, हिमाती हो। वो पिस्तौल कहां है जो उस दिन तुम मुझे दिखा रहे थे? यादव, गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार करने से पहले इसका लाइसेंस नहीं देखेंगे आप? चोर और चके लफंगों के पास राशन कार्ड नहीं होता तो पिस्तौल का लाइसेंस कहां से आएगा हैं? अगर इतराज ना हो तो इस कागज पर नजर डाल लीजिए। क्या है इसमें? डीआईजी साहब का खत, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर राज। सर, आपको यहां स्पेशल ड्यूटी पे भेजा है। जी हाँ, और आप लोग यहां बैठकर पुलिस के नाम पे जो चार चांद लगा रहे हैं, मैं उसकी तफ्तीश करने आया हूं। बंजारा के बारे में कुछ पता चला? नहीं।
दुर्गा का क्या हुआ? सर उसने 3 फोन किए हैं और फरार हो गई है। और दुर्गा के घर वाले, वो कैसे मारे गए? उस बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर क्या मालूम है आप लोगों को? यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? कौन करेगा पुलिस पर विश्वास? लोग कानून को कुचल कर अपना जाति कानून बना लेंगे और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रह जाएगी। मिस्टर सिन्हा, ये देखने में सिर्फ कपड़े की वर्दी है, मगर इसकी जिम्मेदारियों का बोझ पहाड़ के वजन से भी ज्यादा है। अगर उठाने की हिम्मत है तो इसे पहने रहिए, वरना उतार के कोई और काम कर लीजिए, बेहतर होगा। सर, दुर्गा ने जो खून किए उनके गवाह तो मिल गए हैं, लेकिन उसके खानदान के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। सर, जब तक दुर्गा खुद ने बताया उसके खानदान के साथ क्या हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? उसके घर वालों की लाशें कहाँ हैं? उस सर में। सर आइए। अंतिम संस्कार मैं करूंगा। राजू बेटा, इन चिताओं की आग तो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, लेकिन इन गरीब गांव वालों के सीनों में जो आग लगी हुई है वो कब ठंडी होगी? काका, इस गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस घटना के बारे में मुझे सच सच बता सके, और जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, काका, कुछ नहीं कर सकता। बेटा, सच्चाई तो तुम्हें सिर्फ दुर्गा ही बता सकती है। लेकिन दुर्गा कहां है? मेरा ख्याल है वो अपने बाबा बंजारा के पास चली गई होगी। मगर उसका बाबा बंजारा कहाँ रहता है ये भी तो मुझे नहीं मालूम। सरकार, इस बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, मगर मैंने इतना जरूर सुना है कि अक्सर वो रामगढ़ की घाटियों में देखा जाता है। हुआ कैसे? उस दिन तुम्हारे जाने के बाद रात वही इंस्पेक्टर आया और मुझे जबरदस्ती ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। मुझे बहुत गालियां दी। फिर आधी रात को छोटा ठाकुर आया और मुझे वहां से छुड़ा कर ले गया, लेकिन घर ले जाने के बजाय अपने। रो मत दुर्गा, रो मत। मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? बोलो, पूरी बात बताओ। विनोद और उसके साथ थे, मुझ पर टूट पड़े। मैंने बहुत हाथ जोड़े लेकिन वो नहीं माने। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उस पर गोली चला दी और वहां से सीधा घर भाग कर आ गई। माँ और बच्चों को लेकर वहां से भागना चाहती थी कि धर्मपाल आ गया और आते ही मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और बच्चों को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए मैंने भी गोलियां चला दी। कितने लोगों को मार डाला मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना याद है उसके बाद मैं भागती रही, सिर्फ भागती रही, और वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह मेरा पीछा करते रहे। बस दुर्गा, बस। जो बीत गया वो गुजरा हुआ कल था, जो आ रहा है वो आने वाला कल है।
हमें आने वाले कल की फिक्र करनी, उसे संवारना है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें अदालत में बयान देना होगा ताकि मैं तुम्हें निर्दोष साबित करके गुनहगारों को सजा दिलवा सकूं। हाँ दुर्गा, ठीक है, अगर मेरा प्यारी मुझे निर्दोष साबित कर सकता है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? बाबा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटी की जिंदगी भी तबाह हो जाए? तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटी भी बेजान पहाड़ियों के बीच अपनी जिंदगी काटे? अरे तुम इसका भविष्य सुधारने के बजाय इसे तुम जुर्म की दुनिया में धकेलना चाहते हो? चाहते हो तमाम उम्र पुलिस और कानून इसके पीछे पड़ी रहे? कानून? अरे जब मैंने कुछ भी नहीं किया था तो तुम्हारे कानून और पुलिस ने मेरे जैसे बेगुनाह आदमी को जेल में डाल दिया था। इसने तो 3 खून किए हैं, कौन बचाएगा इसे? मैं बचाऊंगा इसे। तुम? अरे तुम क्या बचाओगे, तुम तो खुद कानून के पिट्ठू हो। बाबा। हाँ बेटी, इसने तुझे नहीं बताया कि ये खुद एक पुलिस अफसर है? क्या? और सुन, ये तेरी पगली चाची का बेटा भी नहीं है, ये तो बहरूपिया है। बहरूपिया पहले रूप बदल कर मुझे गिरफ्तार करने आया था और अब तुझे गिरफ्तार करने आया है ताकि तुझे फांसी पर लटका कर अपने सीने पर टमके लगवा सके। मैं तुम्हें क्या समझती रही? और तुम क्या निकले? मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे फरेब देते रहे, मेरे अरमानों का मजाक उड़ाते रहे। नहीं दुर्गा, ये गलत है। तुम्हें या तुम्हारे बाबा को गिरफ्तार करने से मुझे क्या तमगे लगेंगे? हाँ ये सही है, तुम्हारे बाबा के जेल से भागने के बाद उनकी गिरफ्तारी का काम मुझे सौंपा गया था, मगर मुझे ये मालूम हो गया था कि तुम्हारे बाबा बेकसूर हैं। इसी बात का पता लगाने में गांव में आया था कि एक बेगुनाह को सजा दिलाने के पीछे किसका हाथ है। जब मुझे यह पता चला कि धर्मपाल उसका भाई है, इसलिए गुनहगार है, तो मैं उनका बंदोबस्त करने ऑफिस गया, लेकिन जब तक ऑफिस लौटा तब तक देर हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने गांव वालों से बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले इतने डरपोक हैं, कोई एसटीएस बताने को तैयार नहीं। इसी बात का पता लगाने मैं तुम्हारे पास आया ताकि मैं सच जान सकूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक असली मुजरिमों को पकड़वाकर सजा न दिलवा दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो उसी दिन आना जिस दिन तुम असली मुजरिमों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाने में कामयाब हो जाओ, उस दिन हम बाप बेटी अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे, उससे पहले कभी नहीं। दुर्गा, कम से कम तुम तो मुझे गलत मत समझो। काश मैंने तुम्हें गलत ना समझा होता तो आज मेरा विश्वास करो। देखो, पुलिस वालों से मेरी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन तुमने मेरे परिवार की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आसान के पोछ तले दब गया हूं। लेकिन आइंदा अगर कभी मेरा या मेरी बेटी का पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे आसान को भूल जाऊंगा और तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगा जो मुझे पुलिस वालों के साथ करना चाहिए। बाबा, मुझे तेजा। जी सरदार। पुलिस वालों को हमारे ठिकाने का पता चल गया है, इसलिए जल्दी हमें यह जगह बदल लेनी चाहिए। ठीक है। तुम फिक्र मत करो यार, मैं कुछ ही दिनों में उस ऑफिसर का तबादला करा दूंगा। चलो तुम शराब पियो। अरे पियो यार। शाबाश, क्या ड्यूटी निभा रहे हैं यार। शरीर पे वर्दी और हाथ में शराब का ग्लास लिए आप बदमाशों की महफिल में बैठे हैं। अगर आप जैसे कानून के रक्षक हो तो लोगों का कानून पर विश्वास उठ जाएगा। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। सर मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा रास्ते में 2-4 पैक शराब के मार ले तो मैं शर्म आनी चाहिए। तुमने इस खाकी वर्दी की इज्जत की परवाह भी नहीं की। ओ मिस्टर, ये क्या चीखना चिल्लाना लगा रखा है? ये मेरा घर है, कोई आपका पुलिस स्टेशन नहीं है, और आप इनको डांटने का क्या हक रखते हैं? ये मेरे मेहमान है, कोई मुजरिम नहीं है, आपकी तरह पुलिस ऑफिसर है। राइट, आपको याद है कि एक पुलिस ऑफिसर है, मगर ये भूल गए और यही याद दिलाने के लिए मैं यहां हूं। सुनो, एसपी होने की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अभी और इसी वक्त धर्मपाल को गिरफ्तार करो। क्या गिरफ्तार? मुझे? होश में चढ़ा रखिए। मैं होश में हूं, आपने चढ़ा रखी है, इसलिए आपको होश में लाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो नहीं तुमने, गिरफ्तार कर लो। ये क्या बेहुदा बकवास है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये मेरे घर में मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो? ये लो हथकड़ी, गिरफ्तार करो
और इसे फौरन पुलिस स्टेशन लेकर आ। तुम्हें अभी शायद पता नहीं कि धर्मपाल की पहुंच कहां तक है। मुझसे बात करने के लिए बड़े बड़े एमपीज को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और आज तुम मुझे हथकड़ी लगवा रहे हो। अच्छी बात है, मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का वो बदला लूंगा कि तुम सारी जिंदगी खून के आंसू रोते रहोगे। करप्ट मुंशी जी। ये सरकार, ये क्या सरकार? आप फौरन होम मिनिस्टर को फोन कीजिए और कहिएगा कि इस दो कौड़ी के पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ ये हरकत की है। जी जी बिल्कुल सरकार। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ऑफिसर। मैं सिर्फ सौदा करता हूँ धर्मपाल, सौदे का सस्तापन या महंगापन नहीं देखता। बंद करते हैं सर। अच्छा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ठाकुर साहब। अभी तो तुम शर्मिंदा हो, थोड़ी देर बाद तुम्हारा ये ऑफिसर शर्मिंदा नजर आएगा, देखना तुम। हेलो। यस सर। सर डीआरडी साहब का फोन है आपके लिए। यस सर। मुझे खबर मिली है तुमने ठाकुर धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। जी सर, मगर ये खबर आप तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई सर? जितनी जल्दी ये खबर मुझ तक पहुंची है उतनी ही जल्दी हायर अथॉरिटी से धर्मपाल की रिहाई के ऑर्डर भी आ चुके हैं। उसे छोड़ो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये आदमी खूनी है, एक औरत का और उसके दो मासूम बच्चों का। अगर इसे छोड़ दूंगा तो पुलिस डिपार्टमेंट की और कानून की तौहीन होगी सर। लेकिन इसका तो बगल पास कोई सबूत है। हाँ सर है। है सर, है, ठोस सबूत है। वही पागल औरत सर जिसका मैं बेटा बनकर यहाँ रह रहा हूँ, वो मौका वारदात की चश्मदीद गवाह है सर। ठीक है सर, तक मैं पहुंचता हूं, तब तक ठीक है सर। हाँ जादे, जुर्म का सबूत मिटाने के लिए तूने एक बेगुनाह बेबस और बूढ़ी औरत का खून करवा दिया। मैंने किसी का खून नहीं करवाया है। झूठ बोलता है कुत्ते। तूने उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी ताकि वो तेरे खिलाफ गवाही न दे सके और तू फांसी के तख्ते पर चढ़ने से बचा। लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, कानून तुम्हारे हाथ में है, तुम शरीफों को मार भी डालो तो तुम्हें पूछने वाला कौन है? नाटक मत कर कुत्ते। क्या हो रहा है ये? पागल लोग इस तरह लोगों पे हाथ उठाते हो? सर आप नहीं जानते, इसने इतनी जलील और घटिया हरकत। आओ मेरे साथ। तुम अपने आप को कानून का महाफिज कहते हो? ऐसे ही होते हैं कानून के महाफिज? अरे तुम अपने अपने जज्बात पर काबू तो पा नहीं सकते, तुम आम पब्लिक पर क्या काबू पाओगे? अगर ये बात जनता को मालूम हो गई तो हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। सर जिस औरत ने मुझे अपने बेटे की तरफ पाला है, जो दुर्गा के परिवार के कत्ल की चश्मदीद गवाह थी, इस कमीने ने उसका भी खून करवा दिया। क्या, ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। मैं वहीं से आ रहा हूँ सर। कोई सबूत मिला? सर ये बहुत ही चालाक मुजरिम, जुर्म करता जाता है और उसके निशान मिटाता जाता है। ऐसे ही देखो, हमारे डिपार्टमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं। तुम नहीं जानते इस शख्स की पहुंच कहां कहां तक है। जब तक कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, तुम कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम्हारे करियर पे कोई दाग आए। ठाकुर साहब जी, आज जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आप घर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर। मैं इसे घर कब ले जा सकता हूं? यही कोई एक आध हफ्ते बाद। शुक्रिया। विनोद भैया, मैं उस दुर्गा की बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं विनोद, ये काम तेरा नहीं है, ये काम मैं करूंगा।
उसे ढूंढकर मैं निकालूंगा, आकाश पाताल एक कर दूंगा, उसे खोज निकालूंगा। दुनिया में उसका दूसरा ठिकाना है ही कहां, सिर्फ एक ठिकाना है और वो है उसका बाप बंजारा। दुर्गा ये क्या? धर्मपाल और उसके भाई से बदला लेने का रूप है बाबा। तू उससे बदला लेगी? हाँ बाबा, क्योंकि जो इंतकाम की ज्वाला तुम्हारे सीने में भड़क रही है वही ज्वाला मुझे भी पसंद किए जा रही है। और जब तक मैं धर्मपाल और उसके भाई को खत्म नहीं कर देती ये आग मुझे जलाती ही रहेगी। नहीं बेटी नहीं, मैं तुझे उस पापी के गंदे खून से हाथ रंगने नहीं दूंगा। और मैं तो इन हाथों में शादी की मेहंदी लगी हुई देखना चाहता हूं। नहीं बाबा, अब ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी कर दूंगा। तू सुहाग का जोड़ा पहनेगी, तेरी डोली सजेगी, और फिर जब डोली, बेटी हर बाप का यही सपना होता है। भूल जा बाबा, ये सब सिर्फ सपना ही है। दुनिया की नजरों में मैं एक मुजरिम हूं, खूनी हूं। कोई मुझे माफ नहीं करेगा, कोई मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा ना कहो बेटी, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया सब भूल जाती है। दुनिया भूल सकती है बाबा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं भूल सकती। तुमने मां को मरते हुए नहीं देखा, बच्चों के खून से जमीन लाल होते हुए नहीं देखी। मैंने देखी है, इन आंखों ने देखी है। और तब से बाबा मुझे कसम है आपकी, मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सकी। रात रात पर मुझे मां का ख्याल आता है, मासूम बच्चों की आवाजें आती है, हमें बचा लो दीदी, हमें बचा लो। मैं उन्हें तो नहीं बचा सकी, लेकिन उन जालिमों का मारकर उनकी आत्मा को शांति जरूर पहुंचाऊंगी, जरूर पहुंचाऊंगी। सब लोग नीचे उतर कर घोड़े पीछे बांध दो। आओ मेरे साथ। गोली हलक के पार उतार दूंगा। धर्मपाल किधर है? वो तो विनोद बाबू को हॉस्पिटल से लेने शहर गए हुए हैं। नंदिनी बिटिया अपने कमरे में है, सो रही है। तिजोरी किस कमरे में है? उधर है। तेजा तुम दो आदमियों के साथ यहाँ रहो, कोई अंदर ना आने पाए। चलो चलो। राजा? ये राजा नहीं बेटी, डाकू है। ये तमाम दौलत हमारे नाम से ठाकुर रणबीर सिंह और दूसरे लोगों पर डाके डालकर लूटी गई है, और इस लूटी हुई दौलत पर जो कि हमारे नाम से लूटी गई है हमारा हक है। तिजोरी खाली कर दो और ये बंदूकें समेट लो जल्दी। तुम
अंजारा का साथी होकर माँ बहन की इज्जत करना नहीं सीखा कुत्ते। बंजारा के साथियों में पहली बार किसी ने ऐसी नीच हरकत की है और बंजारा किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। नहीं बंजारा, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, आई तक कभी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक बार माफ कर दो। सरदार, ये इसकी पहली गलती है, इसे चेतावनी देकर माफ कर दो। उत्तम ठीक कहता है सरदार, इसे एक बार माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, बंजारा सिर्फ जालिमों को लूटता है लेकिन किसी औरत की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता। क्या तेजा तुझे माफ किया, लेकिन आइंदा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो सर से पैर तक तुझे खून में नहला दूंगा। अरे ओ सरजू, ये नाई ठाकुर आए दुर्गा से मिलने। कौन तुम? क्या बात है, सब ठीक है ना? ठीक नहीं है दुर्गा बहन, हरिया की बेटी के बारे में बहुत बुरी खबर लाया हूँ। कौन? अंजू के बारे में? हाँ। क्या है उसे? उसकी हालत बहुत खराब है, आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। आखिरी बार? हाँ। लेकिन उसे हुआ क्या? उसके ससुराल वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे मार डालने की कोशिश की। लेकिन क्यों? अभी तो उसकी शादी हुई है, कहाँ है वो? गाँव के अस्पताल में, कुछ ही पल की मेहमान है बेचारी। वीरू, तुम अभी गाँव चले जाओ और देखो वहाँ सब ठीक तो है। ठीक। तुम बाबा को बता दो मैं अंजू को मिलने के लिए अस्पताल जा रही हूँ। मुझे ले जाने के लिए मेरे सामने खड़ी है। नहीं अंजू, नहीं अंजू, डॉक्टर साहब। अरे चाचा कहाँ है? पति को बुलाने इसके ससुराल गए हैं। ये कहीं नहीं जाएगा, ऐसे भिखारियों की बेटियों का मर जाना ही अच्छा है जो शादी के चार जोड़े पोटली में बांधकर बिना दहेज के खलिया चली आती हैं। यहाँ नहुसत मत फैलाओ, रोना दोना बंद करो और चले जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ। ये क्या कह रहे हैं केदारनाथ जी, आखिर वो आपकी बहू है? वो एक भिखारी की बेटी थी जो खाली हाथ नौकरानी की तरह हमारे घर में कुछ दिनों के लिए आई और फिर खुद जलकर अस्पताल में पहुंच गई। हमारा उसे कोई वास्ता नहीं, भाग जाते। ऐसा मत कहिए केदारनाथ जी, भगवान से डरिए, मुझ पर दया कीजिए वरना मेरी बेटी मर जाएगी। मर जाएगी नहीं चाचा, अंजू मर गए। क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। बेटा अभी तो उसकी शादी हुई थी, ये वक्त उसके मरने का नहीं था दुर्गा, ये वक्त उसके मरने का नहीं था। इन दहेज के लालची कुत्तों ने उसे वक्त से पहले मार दिया, मेरी अंजू को वक्त से पहले मार दिया। उसके सर पे इज्जत का पल्लू डालने की बजाय उसके शरीर पर कफन डाल दिया, उसे कफन में ढक दिया बेटा। हरिया ठीक कह रहा है? नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं इस बारे कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो लाला,
तुम खुद जुबान से अपने जुर्म का इकबाल करोगे। इस आदमी को देखते हो जिसने जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी को दहेज में दे दी, यहां तक कि अपनी जमीन में गिरवी रख दी, वो जमीन जो किसान की मां होती है, मगर तुम लालचियों का उससे भी पेट नहीं भरा। किसी और की बेटी को फंसाने के लिए तुम लोगों ने इसकी बेटी को आग से जलाकर मार डाला। तुम लोग औरत को समझते क्या हो, भेड़ बकरी, कि जब चाहे उस बेजुबान को ब्याह कर लिया है और घर में नौकरानी की तरह काम करवाए, और फिर जब दहेज का लालच हुआ तो उसे जलाकर मार डाला और बेटे की दूसरी जगह शादी करवा दी। बताओ तुम दोनों में से कौन अंजू की मौत का जिम्मेदार है, बोलो। अंजू मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन भी थी, और मेरी बहन का खून करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसने मारा अंजू को? मुझे कुछ नहीं मालूम पिताजी, अंजू को दहेज न लाने की वजह से परेशान किया करते थे। और तुमने जो लाला छेत्रमल की बेटी से शादी की बात पक्की कर ली थी वो? मगर अंजू पे तेल तो आपने डाला था। आग तो तूने लगाई थी ना। हरिया चाचा, तुम्हारी बेटी के कातिल तुम्हारे सामने खड़े हैं। चलाओ गोले, ले लो इनसे अपनी बेटी के खून का बदला। सोचते क्या हो चाचा, अगर आज इन सांपों को नहीं मारोगे तो कल ये दूसरी गरीब लड़कियों को जलाकर मार डालेंगे। इसलिए अपनी बेटी का और दूसरी हजारों बेटियों पर होने वाले जुल्म को खत्म करने की शुरुआत तुमको ही करनी पड़ेगी। चलाओ गोले और मार डालो इन सांपों को। सुन लो, ये बाप बेटे की मौत एक चुनौती है उन लोगों के लिए जो दहेज की भूखे हैं। आज के बाद मेरे इलाके में किसी ने दहेज दिया या किसी ने दहेज लिया या किसी ने दहेज के लिए बहू को परेशान किया, तो मैं अंजू की मौत की कसम खाकर कहती हूं उसका भी वही अंजाम होगा जो इन दोनों का हुआ है। चलो चाचा। अरे तेजा, तुम सुबह से कहां चले गए थे? आज मेरी बहन की शादी है ठाकुर, उसी की तैयारी में लगा हुआ था। कमाल है, तुम्हारी बहन की शादी और हमें बताया तक नहीं। मालूम तो मुझे भी नहीं था, कल रात जब गांव गया तो पता चला। ठाकुर मैं आपको शादी का निमंत्रण देने आया हूं। तेजा, अब तो हम शादियों में सिर्फ डाका डालने के लायक रह गए हैं, निमंत्रण पाकर मेहमान बनने के लायक नहीं रहे। हमारी तरफ से अपनी बहन को आशीर्वाद देना। नहीं ठाकुर, हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं है जो कन्यादान कर सके, ये काम तो आप ही को करना होगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं समझूंगा मेरी उस दिन वाली गलती को, अभी तक आपने माफ नहीं किया। नहीं तेजा, हम घुन्ने लोग नहीं हैं जो पुरानी बातों को दिल में रख लेते हैं। जिस तरह घोड़ा दबाकर बंदूक से गोली बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह गलती मानने वाले के सर पर हाथ फेर कर हम पुरानी बातों को दिल से निकाल देते हैं। तो आप मेरे साथ चलेंगे ना? अवश्य चलेंगे। काफी दूर है तुम्हारा गांव। आइए इधर जी। बरातियों के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली? बस शादी की सब तैयारी हो चुकी। वैसे तेजा जी, जिस लड़के से तुम्हारी बहन की शादी हो रही है क्या करता है? स्कूल में मास्टर है। अच्छा, अरे
क्या बात है, सारा गांव खाली पड़ा है। मैं इस वक्त पुलिस के घेरे में हूँ। हम चाहें तो इसी वक्त में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें जीने का एक मौका और देते हैं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। शाबाश, अभी ले जाओ और मुंशी से अपना इनाम ले लो।
मैंने मना किया था ना बाबा, मुझे पहले से उस हरामजादे तेजा की नियत पर शक था, आखिर उसने धोखा दे दिया ना। पर तू यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं जानती थी कि तेजा जरूर धोखा देगा, इसलिए थोड़ी देर बाद सबको लेकर यहाँ निकल पड़ी मैं। दुर्गा, लगता है पुलिस फिर इस तरफ आ रही है, तुम भाग जा यहाँ से, भाग जा। तुम्हें किस हालत में छोड़कर बाबा? मेरा सारा जिस्म छलनी हो चुका है, अब बचना मुश्किल है बेटी। राइफल मुझे दे दे, मैं पुलिस को रोकता हूँ, तू भाग जा। अपने बाबा को छोड़कर मैं कहाँ भाग जाऊं? मेरा दुनिया में भय को, अगर मरना ही है तो तुमसे पहले मैं मरूंगी बाबा। मैंने अपनी आंखों के सामने सबको मरते हुए देखा है, अब मैं तुम्हें नहीं देख सकती बाबा। बाबा, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलो बाबा, पानी पिलाइए बाबा, जल्दी से भाईजी को बुलाइए। नहीं, दुर्गा, अब किसी वैद को बुलाने की जरूरत नहीं। देखिए, जंग साल से बाकी रह गई हैं। नहीं बाबा, नहीं। रो नहीं बेटी, तू तो बहादुर है, बहादुर तो दर्द के सैलाब पी जाते हैं, और फिर मैं तो अपनों के पास आ रहा हूं, तेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, तेरे भाई बहन मेरी राह देख रहे हैं। नहीं बाबा। बेटी, मैं तेरे लिए कोई धन दौलत जायदाद छोड़कर नहीं जा रहा हूं, हाँ, एक दुश्मन छोड़कर जा रहा हूं, इस उम्मीद पर कि तू उसे उसके जुल्म को खत्म कर देगी। करेगी ना बेटी? जरूर करूंगी बाबा, जरूर करूंगी। जीती रहो बेटी, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं अपने पीछे एक बेबस और लाचार बेटी छोड़कर नहीं जा रहा हूं, जहां बाजों और वफादारों के बीच एक एक शेरनी छोड़कर जा रहा हूं। शेरनी, भगवान तेरी रक्त रक्त। तेजा ने मेरे बाबा और अपने साथियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोल तेजा कहाँ है? मैं नहीं जानता। बोल, तू सब जानता है, तू तो उसके साथ रहता था ना। बोल कहाँ है? बोल, बताता हूँ। घड़ी घड़ी जूनर सरकने लगी,
सब यहाँ से जाओ। कितनी जल्दी भी क्या है तेजा? मर तो तू उसी वक्त गया था जब तूने बाबा को धोखे से मरवा दिया था। आज तो सिर्फ तेरा क्रियाकर्म करने आई हूं। मुझे माफ कर दो दुर्गा, मुझे माफ कर दो। माफ तो तुझे अब बाबा करेंगे। ऊपर जाकर गोली मत चलाना दुर्गा, दुर्गा गोली मत चलाना, दुर्गा गोली मत चलाना। इस कुत्ते की लाश को और ले चलो। लाश किसकी? तेजा की। तेजा? दुर्गा, ये तो तुम्हारा साथी था, तुमने इसे क्यों मार डाला? इसने विश्वास का खून किया, मैंने इसका खून किया। और जानते हो इसकी लाश मैंने तुम्हारे दरवाजे पर क्यों फेंकी? क्योंकि तुमने इस कुत्ते के साथ मिलकर मेरे बाबा को मारा, और फिर तुम्हारा और मेरा पुराना हिस्सा भी तो बाकी है। इंस्पेक्टर, तुमने भी कानून की वर्दी पहन के कानून का बहुत खून किया, और मुझ बेगुनाह को डाकू बनाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हक था, इसलिए तुम्हारे सीने पर गोली का मेडल लगाने आई थी। नहीं। हाँ, मेरे हाथों में बंदूक तुमने ही दी थी, अब इसकी गोलियां भी तुम्हें ही खानी पड़ेगी। जी माई बाप। आज के बाद किसी ने धर्मपाल के खेतों में काम किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भागो यहाँ। आग में धर्म जल रहा है तो ठाकुर धर्मपाल सिंह अपने खानदान को यहाँ कैसे पाल सकता है? कोई शरीफ आदमी इस गांव में कैसे रह सकता है? आप बताइए। हम अपने खेतों में खेती नहीं कर सकते। हमारे खलियान चला दिए गए, हमारे गोदाम लूट लिए गए, हमारी हवेली लूट गई, लेकिन आपका डिपार्टमेंट कानों में रोई ठोस के बैठा रहा। आप अपने दिल से ख्याल निकाल दीजिए विनोद साहब कि पुलिस अपने कानों में रोई ठूसे हुए, बल्कि जिस आसानी के साथ कानों से रोई निकाली जाती है उसी आसानी के साथ हम जुर्म की दुनिया में छुपे हुए मुजरिमों को बहुत जल्द बाहर निकाल लाएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है। क्या कह रहे हैं आप? बंजारा को डाकू बनने पर किसने मजबूर किया? दुर्गा के घर वालों का किसने कत्ल किया जिसके वजह से वो डाकुओं के गिरोह में शामिल हुई? बंजारा के नाम पर कौन लूट मार करता रहा?
मेरा ख्याल है विनोद पाल साहब, आप इन बातों का जवाब बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जवाब देना तो दूर की बात है। दूर की नहीं बल्कि बहुत नजदीक की बात कर रहा हूँ विनोद पाल साहब। मैं क्या कह रहा हूँ और किसके बारे में कह रहा हूँ ये आप और आपके भाई साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे शब्दों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, मैं सिर्फ धर्म को पालता हूँ, बाकी हर बात को दिमाग से निकाल देता हूँ। मगर एक बात है जो दिमाग से निकल नहीं रही, कांटे की तरह चुभती ही चली जा रही है, आप जरा उस पर रोशनी डालेंगे? फरमाइए। ये दुर्गा अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार की गई, जबकि डाकू को गिरफ्तार करने वाली खास टोली यहाँ मौजूद है, एंटी डिकॉय यूनिट। ईमान पर आकर के धर्म को टटोल के जवाब दीजिएगा। अच्छा, आप अपने धर्म को टटोल कर बताइए क्या वजह है? बताऊं जी? आप खुद नहीं चाहते कि दुर्गा गिरफ्तार हो। आपकी और दुर्गा के ताल्लुकात के बारे में मैंने सुना था, लेकिन मेरे धर्म के कान ने बर्दाश्त नहीं किया उसको। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आपकी और दुर्गा के नाजायज ताल्लुकात हैं। धर्मपाल, जुबान को काबू में रखो, वरना मैंने तुम्हारी तरफ दिखावे के लिए शराफत का चोला नहीं ओढ़ रखा है, बल्कि फर्ज की वर्दी पहनी हुई है, और इस वर्दी का दामन साफ रखने के लिए मैं अपना खून तक बहा सकता हूँ। दुर्गा को गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है और मैं उसे गिरफ्तार करके रहूंगा। एक बात और सुन ले धर्मपाल, जिस दिन मुझे तुम लोगों के खिलाफ सबूत मिल गया ना, उस दिन तुम लोग मेरे सामने यहाँ नहीं बल्कि इन सलाखों के पीछे खड़ा रहोगे। चलो भैया, चलो ना। धोलग्राम। यस सर। तुम फौरन हजामत लाल को लेकर मेरे घर आ जाओ। जी। नहीं, नहीं, हमारे मिलने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो एक पुलिस अफसर है और मैं एक बागी, पुलिस के नजरों में डाकुओं की सरदार। उसके कंधों पर हमारे साथियों को खत्म करने की जिम्मेदारी है और मेरे कंधों पर उनकी रक्षा करने की। हम दोनों जिंदगी के तो अलग अलग ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं जो किसी भी मोड़ पे नहीं मिल सकते। ऐसा मत कहो दुर्गा, न जाने इस मुलाकात से जिंदगी को कौन सा नया रास्ता मिल जाए। राजू बहुत अच्छा लड़का है, मेरी आंखों को अच्छे बुरे की आसानी से पहचान हो जाती है, क्योंकि मेरा उस तरह लोगों की दाढ़ी पर होता है, मगर मेरी आंखें उनके चेहरों पर होती हैं। जिंदगी भर हजामत की है, लोगों के चेहरे पड़े हैं। मैं सच कहता हूँ, राजू बहुत अच्छा लड़का है। अगर आज पगली चाची जिंदा होती ना, तो न जाने तुम कब की उस घर की बहू बन चुकी होती। अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गाँव की पगली चाची ही नहीं बल्कि गाँव की सीधी साधी लड़की दुर्गा भी मर चुकी है, और ये दुर्गा अब बागियों की सरदार है जो किसी भी हालत में अपने साथियों की जिंदगी का खतरा मोल नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। दुर्गा, उसे तुम्हारे साथियों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। वो बिल्कुल निहत्ता आएगा, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथी दूर रहकर तुम्हारी निगरानी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो दुर्गा, मैं सच कह रहा हूं। ठीक है। आज कितने दिनों के बाद तुम्हें इतने करीब से देखने का मौका मिला है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग बिल्कुल करीब तो हैं, लेकिन इस करीबी के बीच हजारों मील का फासला है।
दुर्गा, ये फासला तो तुमने ही पैदा किया है ना। हम फिर एक दूसरे के हो सकते हैं, ये दूरी हम दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए मिट सकती है, खत्म हो सकती है, अगर तुम अगर क्या अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इस वक्त मैं किसे मिलने आई हूं, एक पुलिस अफसर से या उस राजू से जिसे मैं प्यार करती थी? दोनों से दुर्गा। नहीं, दोनों एक साथ कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि पुलिस अफसर को दुर्गा चाहिए उसके कानून के लिए, और राजू को दुर्गा चाहिए उसके प्यार के लिए। कानून और प्यार तो ऐसे तलवारें हैं जो कभी एक मायन में आ ही नहीं सकती। आ सकती है दुर्गा, मैं हूं वो मिसाल जो कानून और मोहब्बत के तलवारों को अपने दिल की एक मायन में लेके खड़ा हूं। ना मैं कानून से गद्दारी कर रहा हूं और ना ही तुमसे, बल्कि दोनों को मिलाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इस जन्म में वो रास्ता निकालना नामुमकिन है राजू। मुमकिन है दुर्गा, मुमकिन है, सिर्फ तुम्हारी पहल की जरूरत है। बंद कर दो आसिए, खून खराबा, फेंक दो हथियार और आ जा मेरे साथ। फांसी के तख्ते पर? नहीं दुर्गा, नहीं, कानून के दरवाजे पे इंसाफ मांगने। कानून के दरवाजे से इंसाफ मिला होता तो ना दुर्गा का खानदान बर्बाद हुआ होता और ना ही मजबूर दुर्गा बंदूक उठाकर डाकू बनती। तुम्हारे कानून के सामने मेरी माँ और भाई बहन को कत्ल कर दिया गया और तुम्हारा कानून तमाशा देखता रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बेइंतहा जुल्म हुए हैं। कुछ लोगों ने कानून की वर्दी पहनकर कानून के साथ गद्दारी की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दुर्गा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी वर्दी, अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। क्यों? मैंने कसम खाई थी जब तक धर्मपाल और उसके भाई को खत्म नहीं कर देती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जिस दिन अपनी कसम पूरी कर लूंगी उस दिन खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। नहीं दुर्गा, नहीं दुर्गा, सजा लगाना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। विनोद, विनोद, सरकार, ये लड़की कौन है? सरकार, ये लड़की नहीं, ये तो पुतला है। ओफो, मैं इसकी नहीं, जिसके बारे में तू कह रहा था मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वो पुतला नहीं सरकार, वो तो पुतली है। पुतली भाई, यही समझ लीजिए। नाम तो अच्छा है अजामत लाल, लेकिन देखने में कैसी है? सरकार, जवाब नहीं है, आंख बंद करके देखिए तो उससे हसीन लड़की नहीं दिखेगी दुनिया में साबुन लगा के। आंख बंद करके? हाँ सरकार। क्या मतलब? मतलब ये सरकार कि लड़की भरपूर जवान है, खूबसूरत है, सच बिल्कुल ताज महल की तरह, मगर मगर क्या? लाल पत्थर का ताज महल, मगर आपको रंग से क्या मतलब है? आपको तो ढंग से मतलब है, अंग से मतलब है ना? अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन मुजरा मुजरा करेगी ना? मुजरे तक पहुंचाना मेरा काम है, बाकी रही हुजरे की बात। अरे वो सब तो मुझ पे छोड़ दे, बस एक काम करते हैं। कौन सा? आज शाम को बड़े भैया बाहर जा रहे हैं। तू बस उस लड़की को आज ही रात को मेरे फार्म हाउस पर ले आ। वाह वाह सरकार, क्या जगह चुनी है, क्या रात चुनी है, आज की रात आपकी रात, आखिरी रात। तुम्हारी सावनी हो
बचाना मेरा तीर नजर का निशाना मुश्किल है मुश्किल बचाना मेरा तीर नजर का निशाना आज देखेगा सारा जमाना मेरा तीर नजर का निशाना ये है तीर नजर का तुम्हें यही वो जगह है जहां से मेरी बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी उस कहानी को शुरू तुमने किया था और आज इसी जगह वो कहानी मैं खत्म करने आई हूं
फर्क सिर्फ इतना है, उस दिन मैं मजबूर थी और आज तुम मजबूर हो। दुर्गा, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लाया था। दरअसल वो इंस्पेक्टर है ना, वो इंस्पेक्टर अपने किए की सजा भुगत चुका है। मेरी बर्बादी में जिस जिसका हाथ था, मैं उन सबको खत्म कर डालूंगी। आज के बाद तेरे जैसा कोई कमीना किसी दुर्गा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। दुर्गा, दुर्गा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। उस दिन मैंने भी तुम्हारे सामने बहुत हाथ जोड़े थे, लेकिन तुम सब भेड़िए मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरी करीबी के दामन को नोच रहे थे, मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे थे। दुर्गा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तेरी शर्मिंदगी मेरे बाबा को वापस ला सकती है, मेरी माँ और छोटे छोटे भाई बहन को लौटा सकती है। नहीं, मुझे यतीम बना दिया तुम लोगों ने, हाथ में बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया तुम लोगों ने, और आप इस बंदूक का सामना भी तुम लोग ही करोगे। भाग, कहां तक भागेगा? मैंने तेरे हर रास्ते पर मौत की दीवार खड़ी कर दी है। मुझे मत मार दूंगा। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी, तेरे शरीर के एक एक हिस्से पर कील की तरह गोलियां ठोकूंगी, तब कहीं जाकर तुझे मौत के हवाले करूंगी। नहीं दुर्गा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। दुर्गा, तुम तो मेरी बहन के समान हो। बहन? बहन और भाई के पवित्र रिश्ते को तू क्या जाने कुत्ते? तू तो वो राक्षस है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ और बहन को भी बेच सकता है, और ऐसे शैतान को मैं तो क्या, वो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। चाचा, ये कुत्ता तो मर गया, अब रह गया इसका बड़ा भाई धर्मपाल सिंह। दुर्गा और उसके साथियों को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। चारों तरफ फैल जाओ, एक एक ठिकाने छान मारो, मगर किसी भी तरह से उसका पता लगाओ। यू अंडरस्टैंड? ठाकुर धर्मपाल से भाग रहा था? मेरे हाथ मौत से ज्यादा लंबे हैं, जहां मौत नहीं पहुंच सकती वहां मेरे हाथ पहुंच जाते हैं। लगता है ऊपर वाले ने तुम लोगों को न अकल दी है न दौलत दी है, रोटी की जगह ठोकरें खाने के लिए पैदा कर दिया है। बता, दुर्गा कहां है? नहीं बताएगा, अच्छी बात है। मेरे पैर भी लोगों की जबान खुलवाना अच्छी तरह जानते हैं। ठाकुर धर्मपाल, क्यों अपनी मौत का पता पूछ रहा है? जिस दिन तेरा दुर्गा से सामना हो गया ना, उस दिन तेरा वो हशर होगा कि नरक में तेरे मरे हुए भाई की आत्मा भी डर से कांप उठेगी। कौन किसका क्या हशर करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तू अपनी आंखों से देखने नहीं पाएगा। उठा इसे, दुर्गा के इस वफादार कुत्ते के चेहरे से इसकी आंखें उतार लो। गुलाब सिंह,
नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। इतनी जल्दी मैं तुझे नहीं मारूंगी। मुद्दतों के बाद आज वो दिन आया है जिसका मुझे इंतजार था, गांव वालों का इंतजार था। आज तुझे अपने किए हुए जुल्मों का गिन गिन कर हिसाब देना होगा, मेरी मां की मौत का हिसाब। गुड्डी और मुन्ना की मौत का हिसाब, मेरे बाबा की मौत का हिसाब, हजारों सताए हुए गरीब इंसानों के दुख और आंसुओं का हिसाब। मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। नहीं चाहिए तेरे बाप की दौलत किसी को, और ना ही किसी को अब तेरी जरूरत है। अंदर धर्मपाल की लाश पड़ी है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस जगह को सील कर दो। यस सर। हाँ दुर्गा चलो अंदर।